नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिंधी कढ़ाई में ये वाला बॉर्डर बनाना बता रही हूँ। बॉर्डर बनाने के लिए जैसे मैंने आधे इंच पे दो लाइन हमेशा खींचती हूँ, ये देखिए दो लाइन खींच ली। और हमने इसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ ही बनानी है। ये देखिए हमने दोनों लाइनों के बीच में हमने इस तरह से सुई को निकाला है और हमें इस तरह से जिगजैग बनाना है। आपको जितना लंबा बॉर्डर बनाना है, आप इस पैटर्न को किसी गले में भी बना सकते हैं, कुर्ते के गले में बना सकते हैं। ये देखिए यह साड़ी के बॉर्डर में बना सकते हैं। ये जिगजैग पहले हमें इस तरह से पूरा बना लेना है, जितना बॉर्डर आपको बनाना है उतना हम बना लेते हैं। ये ऊपर का धागा हमेशा ये इस तरह से ऊपर ही आता है और नीचे का धागा जो है ये देखिए इस तरह से नीचे जाएगा। ये ऊपर का धागा इस तरह ऊपर जाएगा और नीचे लाइन वाला धागा इस तरह से हम इस धागे के नीचे से इस तरह से सुई को निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए इतना हमारा जिगजैग बन गया है। अब मैं यहाँ से टर्न कर रही हूँ। ये देखिए टर्न करने के लिए भी मैंने ये देखिए जो दोनों लाइनों के बीच से जहाँ से हमने निकाला था, यहाँ भी यही करना है कि दोनों लाइनों के बीच से हमें इस तरह से सुई को निकालना है, डालना है और इस तरह से हमें सीधा करके ऐसे निकालना है। अब हमें ये वाले क्रॉस के बीच में इस तरह से हमें सबसे छोटा वाला बॉर्डर जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है इसको। अब हम यहाँ से इस तरह से सुई को निकालेंगे और यहाँ से ऐसे ये सेम लगभग पैटर्न वैसे ही है जैसे हमने सिंपल बॉर्डर पहले बताया था सबसे छोटा वाला। अब हम इस कपड़े को ऐसे आप टर्न कर लीजिए। ये देखिए अब हम चाहें तो आप इस तरह से ऐसे निशान लगा सकते हैं ऐसे करके। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे जैसे हम जिगजैग नीचे यहाँ पे बनाया था वैसे ही अब ये इस तरफ ऐसे जा रहा है, क्योंकि हमें ये पैटर्न जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ बनाना है, ये ऊपर की तरफ बनाना है। इसलिए देखिए अब यहाँ पे लाने के बाद हमारा ये ऐसे कपड़े को आप टर्न करेंगे तो ये हमारा सेम जिगजैग बनेगा। जैसे हमने इस तरह बनाया है वैसे हमें ये ऊपर की तरफ बनाना है। जितना लंबा आपको ऊपर पैटर्न ले जाना है उतना आप ले जा सकते हैं। ये देखिए ये धागा देखिए इस तरह से नीचे जा रहा है। यहाँ भी हमें वैसे ही बनाना है। आप चाहें तो इसको लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपको जितना लंबा ले जाना है। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे धागा ऊपर की तरफ ले जा रहे थे ऊपर की लाइन का, वैसे यहाँ भी यही होगा। ऊपर की तरफ का धागा ऊपर रहेगा और ये नीचे वाली लाइन का धागा जो है वो हमारा अब नीचे जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसके नीचे जाएगा। ये आप जितना ऊपर ले जाना चाहें उतने जिगजैग आप बना सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ। ये देखिए ये देखिए हमें अब यहीं पे इतना ही लंबा बनाना है। तो इसके लिए हमें कपड़े को देखिए सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद ये वाले क्रॉस के ठीक ऊपर हमें एक स्क्वायर बनाना है। मैंने पहले वाले पैटर्न में आपको बता चुकी हूँ कि स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर बनता है। जब भी हमको पैटर्न को टर्न करना होता है तो हम स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर बनाते हैं। तो ये देखिए अब हम सुई को इस तरह से डाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये, क्योंकि अब हमें यहाँ से डायरेक्शन चेंज करना है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब हमें यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बनेगा।
ये देखिए, ये देखिए इस क्रॉस के ऊपर हमारा ये स्क्वायर बन गया है। अब हमें ये देखिए, अब हम यहाँ से एक ऐसे सीधी लाइन भी खींच सकते हैं। अब आप इसको देखेंगे, ये धागा हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी हमारा धागा इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा। अब हमें अब कपड़े को टर्न करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेम जिगजैग ही है जो हमने नीचे बनाया, उसको फिर हमने इस तरफ टर्न कर लिया, तो ये हमारा लंबाई में बढ़ गया। अब हमारा जिगजैग फिर टर्न ले लिया और हम इस साइड जा रहे हैं। ये देखिए पैटर्न हमारा सेम है। ये देखिए अब हमें ये यहीं पे ही ख़त्म करना है, हमें यहाँ पे 3 स्क्वायर ही बनाने हैं। ये देखिए ये 1, यहाँ पे 2, ये 3 हमारे स्क्वायर इस तरह से बन जाएंगे। ये देखिए हमारे धागों का डायरेक्शन जो है वो देखना पड़ता है। ये देखिए हमारा है पूरा जिगजैग पे ही बना हुआ है। अब देखिए आप अगर ऐसे आप टर्न करेंगे कपड़े को तो आप देखेंगे कि सेम वैसा ही है जो हमने सबसे पहले छोटे बॉर्डर हमने बनाने बताए हैं, सेम वैसे ही है। ये देखिए ये देखिए, अब ये वाला धागा आप देखेंगे उसके सामने वाला तो ये ऊपर जा रहा है, इसलिए ये वाला धागा भी इस तरह का ऊपर जाएगा, तो इसके नीचे से इस तरह से हम धागे को निकालेंगे। देखिए अब हमें ये सबसे छोटा वाला बॉर्डर जो हमने बनाया है आप इस तरह से टर्न करेंगे। ये देखिए अब आप इस तरफ के धागे को ये देखिए, ये नीचे जा रहा है, तो ये वाला धागा भी हमारा अब इसके नीचे जाएगा इस तरह से ऐसे। इस तरह से पूरे हमारे स्क्वायर स्क्वायर बन जाएंगे। यहाँ पे धागों के डायरेक्शन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है वरना फिर पक्का नहीं हो पाता है। ये देखिए हमारे इस तरफ का धागा इसके नीचे जा रहा है तो हम इसके नीचे ही करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये वाला पैटर्न जो है वो ऐसे तैयार हो रहा है। अब हमें इस तरफ वापस लौटना है, यहाँ आना है, इसलिए हमने धागे का डायरेक्शन जो है वो इस तरह से लेना है। ये देखिए अभी हमारी ये ऐसे वापस रिटर्न होगा। ये देखिए हम बीच में से ये निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये वाला पैटर्न जो है वो तैयार हो रहा है। एक एक गैप देते हुए हम इस तरह के लंबे वाले पैटर्न बनाएंगे। ये एक वाला जो है वो हमें यहीं पे छोटा सा ही बनाना है, एक एक गैप देना है, इसलिए हम इसको यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ये देखिए एक में हमें यही वाला स्क्वायर बनाना है।
गैप हमें इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जब हम गैप देंगे तभी हमारे जो ये वाला यहाँ पे ऐसे लंबा बनेगा ये वाला पैटर्न भी, तो नहीं तो इससे जुड़ जाएगा। तो हमें लगभग दो गैप हमें देने पड़ते हैं। ये देखिए, एक हमारा ये वाला गैप हो गया, अब दूसरा ये वाला, यहाँ पे भी हमें एक स्क्वायर बनाना है क्योंकि हर एक में हम क्रॉस में जो है हम ये पैटर्न नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बीच के तो से ये तो हमारे लंबे बन जाएंगे लेकिन जब हमारे ऊपर वाले रहेंगे दोनों भाग जो है वो हमारे से जुड़ जाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा गैप देते हैं ताकि इन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे। तो कम से कम इसमें एक स्क्वायर का जो है वो गैप देना पड़ता है। ये देखिए, अब हमारे ये दो हमने स्क्वायर का गैप छोड़ दिया है। ये गैप छोड़ने के बाद जो है हमने ये वाला पैटर्न बनाया है। तो ये देखिए, यहाँ पे ऊपर अच्छे से गैप आया है और आप चाहें तो थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं। तो कम से कम एक स्क्वायर का गैप हम देखिए इस तरह से बनाते हैं। ये मैं अब आपको पक्का करना बता रही हूँ। पक्का करने के लिए हमने जहाँ पे इसको ख़त्म किया था कच्चा का, ठीक वहीं से हमें सुई को निकालना है। निकालने के बाद ये देखिए, हमारा जो ये पहला धागा है इसके नीचे से हम इस तरह से सुई को निकालेंगे, फिर हम ये जो क्रॉस किया हुआ है ये उसके एक धागे में से इस तरह से निकालना है, और जो ये क्रॉस किया हुआ है उसको राउंड शेप लेते हुए पक्का करना है। ये देखिए, अब यहाँ से हम निकालेंगे तो इस तरह से ये क्रॉस के चारों तरफ ऐसे राउंड शेप आ जाता है, और पक्का हमेशा हमें थोड़ा लूज करना पड़ता है ताकि जो स्क्वायर है वो अच्छे से फिलअप हो जाए। ये देखिए, अब इसको यहाँ से इस तरह से निकालना है। इसके नीचे से निकाला, फिर इसके नीचे से निकालते हैं। इस तरह से निकालेंगे, पहले ये ऊपर का पूरा पक्का हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में नीचे वाली लाइन जो है वो पक्की होती है। अब ये देखिए, अब हमें ये ऊपर की तरफ जाना है, इसलिए हम ये धागे के नीचे तो जैसे हमने यहाँ निकाला था ठीक वैसे ही निकालना है। अब हमें ये वाले क्रॉस में जाना है तो इसके लिए हमें इस धागे के नीचे से निकालना पड़ेगा सुई को। ये देखिए ऐसे, अगर हम नहीं निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इसलिए हमें इस धागे के नीचे से इस तरह से निकालते हुए इस क्रॉस में जाना है। अब हम ये ऐसे अब हमें सेम पक्का करना है जैसे हमने अभी यहाँ पे किया है वैसे इस तरफ से करना है। आप कपड़े को ऐसे घुमा सकते हैं, घुमा कैसे बनाएं। हमें इसी तरह से ये पूरा यहाँ कंप्लीट करना है। ये देखिए,
यहाँ तक के सेम पक्का होने के बाद अब हमें इस क्रॉस में जाना है। इस क्रॉस में जाने के लिए हम अब इस धागे के नीचे से इस तरह से निकालेंगे। फिर हम इस धागे के नीचे से इस तरह से निकालेंगे। अब हम इस क्रॉस में डालेंगे। अब ये वाले स्क्वायर को हमें पूरा पक्का करना है। अब हमें ये जो धागा है पहला वाला उसके नीचे से निकालना है सुई को, फिर एक छोड़ करके दूसरे वाले धागे के नीचे से हमें निकालना है ताकि हमारे स्क्वायर जो है वो अच्छी तरह से फिलअप हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमारी ये एक स्क्वायर जो है वो फिलअप हो गया। अब हम ये वाले क्रॉस में आएंगे। इसी तरह से हमें ये वाला स्क्वायर पक्का करना है। अब ये एक धागा छोड़ के दूसरे धागे के नीचे से इस तरह से हमें निकालना है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये ऊपर की जो लाइन है वो पक्की हो गई है। ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी रो जो है वो पक्की करनी है। ये देखिए अब हम ये वाले क्रॉस में डालेंगे। अब हमारे पास ये चार लाइनें रहती हैं। ये देखिए हम पहले इसके नीचे से डालेंगे, फिर एक छोड़ के हम ये दूसरी वाली जो धागा है ये इसके नीचे से हम इस तरह से निकालेंगे सुई को।
इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए, अब यहाँ हमें जाना है, इस क्रॉस में जाना है, ये वाले क्रॉस में। अब हमें ये वाला स्क्वायर जो है वो पक्का करना है। पक्का करने का तरीका सबका सेम ही रहता है। इसी तरह से हमें ये पूरी रो जो है पक्की करनी है, जैसे मैंने अभी आपको ये वाला बताया था, ठीक वैसे ही हमें इसको पक्का करना है। इसी तरह से हमें ये अब यहाँ नीचे वाली रो जो है वो पक्की करनी है। ठीक वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ पे ऊपर किया था। ये देखिए, इस तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।